दोस्तों स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे रखे बालाजी कार एसेसरीज और आज हमारे यहाँ रखे स्कॉर्पियो S5 को S11 पूरा तो नहीं बना रहे, कुछ कुछ चीज़ें रहती है, मतलब आप कह सकते हो कि 90% जो है गाड़ी S11 बन चुकी है, 80-90%, क्योंकि आगे की लाइट वगैरह भैया ने अपडेट नहीं कराई, पीछे वाइपर नहीं लगवाया, उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई S11 वाली। तो बाकी काफ़ी सारी यहाँ पर रेंज आ चुकी है स्कॉर्पियो की, महिंद्रा की, देखो पूरे इतनी सारी जो है पार्ट्स वगैरह आए हुए हैं। तो चलते हैं गाड़ी के पास, दिखाते हैं गाड़ी में जो है क्या क्या काम हो रहा है। भाई देख सकते हो आ रखे बालाजी कार एसेसरीज बोर्ड वगैरह, देख लो। अब दिखाते हैं गाड़ी का काम, क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी में। ये देख सकते हो भाई हमारी रहने वाली स्कॉर्पियो S5, जिसको S11 वाले काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें हो गए हैं। तो भाई शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, बारी बारी आपको दिखाता हूँ भाई गाड़ी में जो है क्या क्या काम हो रहा है। पहले शुरुआत करते हैं तो लाइट्स वगैरह में कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर भैया ने, इसमें LED वगैरह भी नहीं लगवाई, सिंपल रखा गया जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसको। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीचे जूर हमारी ये फॉगलाइट लगी है S11 वाली जो क्रोम के साथ आती है, अभी मैं आपको इसका आउटपुट वगैरह दिखाने वाला हूँ। और उसके अलावा अगर हम इधर आते हैं तो ये हमारी लग गई है फ्रंट ग्रिल जो कि S11 में आती है क्रोम के साथ, जैसे देख सकते हो आप। तो फ्रंट में ये सारे काम हुए हैं, बाकी गाड़ी में भैया ने ABS गार्ड भी नहीं लगवाया। ABS गार्ड से थोड़ी गाड़ी ना मतलब कि हैवी सी लगने लगती, सेफ्टी मिलती है, अच्छी भी लुक भी आती है। तो बाहर तो फ्रंट प्रोफाइल में ये बेसिक काम हुआ है। अब चलते साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड प्रोफाइल में आते तो ये लग गए हमारे कवर्स, ये BMC कवर्स कहते हैं इंडिकेटर वाले, क्योंकि आपको पता है S5 में सिंपल आते हैं, प्लेन आते हैं। और उसके अलावा वॉइज़र लगवाए भैया ने महिंद्रा की ब्रांडिंग वाले विद क्रोम के साथ, बाकी सिंपल रखा गया है। और उसके अलावा रूफ रेल लगी है, ये वाली रूफ रेल जो है अच्छा अच्छे तरह से वही S11 वाली लगी है, जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ मैंने भी चेक किया है, तो मतलब बिल्कुल ये छत खोल के अंदर से स्क्रू वगैरह टाइट करके लगाई गई है। साइड प्रोफाइल आपको दिखाते हैं एक बार गाड़ी की, किस तरह की रहने वाली साइड प्रोफाइल, इस तरह की साइड प्रोफाइल आ रही है गाड़ी की जैसे देख सकते हो आप। और उसके अलावा एक बार बैक प्रोफाइल पर चलते हैं, तो ये लगा है हमारा स्पॉयलर, ये इधर क्लिप आता है तो ये आफ्टर मार्केट वाला पता चलता है। अगर आप जेन्युइन वाला लगवाना चाहते हो, पिछली स्कॉर्पियो हमने जेन्युइन वाला दिखाए थे, तो विदाउट क्लिप वाला जेन्युइन वाला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा अगर हम इधर आते हैं तो थोड़ा सा ये आप देख सकते हो, ये चीज़ जो हमको S11 में मिलती है, तो S11 वाली पीछे जो क्रोम की यहाँ पे वो रखी है। और ये लगा हमारे कैमरा, और उसके अलावा अच्छा मैंने भैया से पूछा तो भैया कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कहीं कहीं से और लगवाया है, जो कार ओनर उनसे पूछे तो कह रहे हैं स्पॉइलर ना मैंने कहीं और से लगवाया ये वाला, बट अगर आप यहाँ से लगवाते हो तो यहाँ पे ये वाला क्लिप आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है जेन्युइन वाला अवेलेबल है जैसे हमने पिछली स्कॉर्पियो में आपको दिखाया था। तो थोड़ा सा तो ये हमारे रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं, थोड़ा सा करीब से दिखाते हो, काफ़ी डे टाइम है, ये हमारे रिफ्लेक्टर भी वर्किंग है जैसे आप देख पा रहे हो, तो ये हमारे ब्रेक के साथ काम करेंगे। तो बाहर ये सारा काम हुआ स्कॉर्पियो में, अब हम चलते हैं अंदर की साइड, दिखाते हैं अंदर क्या क्या काम हुआ है। ये देख सकते हो मैं यहीं से इसको मूवमेंट कर रहा हूँ इस तरह से, अंदर से ये इसको मूवमेंट कर दिया गया, जो मैनुअल होता है डंडी वाला सिस्टम वो इसमें हटा दिया गया है, आप एनालाइज कर पा रहे होगे चीज़ को। तो और उसके अलावा गाड़ी के अंदर की साइड चलते, उसके अलावा अगर अंदर आते हैं तो ये हमारा हुआ स्टेयरिंग कवर स्टिच, और साथ में हमारे रिमोट भी लग गया है जैसे आप देख सकते हो, अभी चेक करेंगे इसको। और सिस्टम वगैरह भी काफ़ी अच्छा करवा दिया भैया ने, हमारे आगे लगे हैं मोरेल के कॉम्पोनेंट, जो कि मोरेल के काफ़ी अच्छा आउटपुट आता है। और पीछे हमारे लगे हैं इन्फिनिटी के नॉर्मल स्पीकर्स ओवल वाले, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सीट कवर जो है सिंपल रखे गए हैं, ये सेमी वाले हैं सीट कवर, बाकी भैया ने कंपनी से लगवाए थे, लिए थे। तो और इधर जो कहते हैं ये देखो, ये हमारा जो गियर लगा है ये वही जो S11 में आता है। और उसके अलावा उधर आप देख सकते हो तो ये जो क्रोम हमको मिलता है S11 में, ये ब्रांडिंग वाला ये सब लगा है। तो मतलब गाड़ी में मैंने आपको कहा था कि भी 80% जो है S11 बनी, 80-90%, क्योंकि और उसके अलावा ये सेंटर लॉकिंग फ्लिप की वगैरह वो भी आपको दिखा दूंगा लेटर ऑन। बाकी पहले एक बार कैमरे का रिस्पांस दिखाते हैं और आपको साउंड को आउटपुट सुनाते हैं और इसका इंटीग्रेशन चेक कराते हैं, उससे पहले एक बार पीछे चलते हैं, पीछे आपको भी दिखाता हूँ जो हमारे इन्फिनिटी के ओवल लगे हैं, हमारे रहने वाले इन्फिनिटी के ओवल जैसे देख सकते हो। बाकी साउंड काफ़ी अच्छी है गाड़ी में, साउंड अभी आपको चेक करा ही देते हैं। बाकी एक बार बैक गियर डाल के दिखाते हैं आपको, ये डाल दिया हमने बैक गियर, काफ़ी क्लियर क्वालिटी है कैमरे की जैसे देख सकते हो, काफ़ी क्लियर डिस्प्ले आ रहा है। और एंड्रॉयड भी लगा है ये आप देख सकते हो, जैसे एंड्रॉयड स्क्रीन लगी है। और अब मैं आपको साउंड वगैरह सुनाता हूँ किस तरह की साउंड रहने वाली है, तो साउंड वगैरह भी सुनते हो और साथ में AC के साथ करेंगे इसको, सो दैट कि हमको पता चल सके किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है ये।
सर प्ले करना सॉन्ग, आज पंजाबी सॉन्ग सुनाऊंगा। तो ये सारा जो है स्कॉर्पियो में मैंने आपको सुनाया, सॉन्ग वगैरह मतलब सॉन्ग कह रहा हूँ साउंड काफ़ी अच्छी है। और ये हमारे लगे मोरे लगे कंपोनेंट, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी जो बीट्स वगैरह इसका था, आउटपुट वगैरह काफ़ी अच्छा था। बाकी ये मैंने भी आपको दिखा दिया क्योंकि मेरे S5 में तो पूरा ब्लैक आता है, S11 में आता है, और ये इसका भी फंक्शनिंग प्रॉपर इंटीग्रेट कर रहा है, काम वगैरह कर रहा है, तो सारा काम हुआ स्कॉर्पियो में। एक बार जो भैया आए उनका फीडबैक लेते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता था फॉग लाइट, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी डे टाइम है तो गाड़ी अभी बस जा रही थोड़ी देर में 5-10 मिनट में, तो आपको इसका रिस्पांस चेक कराए थे। अभी लाइट भी यहीं से जो है ऑन होगी हमारे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। फॉग लाइट मैंने ऑन कर दी है, ये देख सकते हो इस तरह की रहने वाली फॉग लाइट हमारी, बेसिक फॉग लाइट है जो S11 में आती है। आउटपुट थोड़ा सा दिखाया था आपको, ये अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो मेरी जीन्स में लाइट पड़ रही है इस तरह की। बाकी डे टाइम है अभी, काफ़ी डे टाइम है, 1 बजे का टाइम है, तो शायद इतना नहीं आपको पता चल रहा होगा, बट मतलब नाइट टाइम में आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारा काम हुआ स्कॉर्पियो में हमारे। अब एक बार जिनकी गाड़ी उनका फीडबैक लेते हैं, क्या कहना है काम के बारे में। ये भी बनी है गाड़ी की विथ सेंटर लॉक है, ये पहले फ्लिप की का मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। और अभी हमारे जो है लॉक खुले हुए हैं, अब गाड़ी को एक बार लॉक करते हैं, फिर अनलॉक करेंगे, चेक करेंगे। होगी गाड़ी लॉक हमारी, देख सकते हो आप। और फिर से अनलॉक करते हैं इसको, गाड़ी होगी अनलॉक। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये देखो इंडिकेटर्स मैंने दिखाना भूल गया आपको, अगर आप जज कर पा रहे हो थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। देख लो हमारे इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं। तो सारा काम मैंने आपको दिखाया जी स्कॉर्पियो का, एक बार फीडबैक लेते हैं भैया का, क्या कहना है काम के बारे में। ऐसे स्कॉर्पियो का काम दिखाया, सर आए हैं आज स्कॉर्पियो लेके, और थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। सर क्या रिव्यू है काम का? काम का बढ़िया है, इनका चेक मैंने देखा था मेरे फ्रेंड ने, उसने बताया जी हाँ ऐसा ऐसा है, तो वही बाय रोड आया हूँ गुवाहाटी से। मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ, लगभग 2200 किलोमीटर की ड्राइव। काफी अच्छा है, मतलब जो रेट्स वगैरह थे वो तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी, लेकिन काफी अच्छा है, काम अच्छा है इनका। एस्टीमेट अभी किसको क्या लगाना है उस पर डिपेंड करता है, अब सिस्टम में भी अलग अलग क्वालिटीज है, मैंने जो लगाया अगला मेरे से बेटर लगा सकता है, नीचे भी लगा सकता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब वैसे जो आप सोच के आए थे बजट या और जो उस मेरे बजट के हिसाब से काम मिला, एक्सपेक्टेशंस में मतलब आपको मेरे बजट के हिसाब से काम हुआ है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम हुआ। थैंक यू सर।